नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजन चौधरी व्लॉग में, जिसमें आज हम सिनेमा के बारे में जानेंगे। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाने वाले और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर ले जाने वाले और अपने जबरदस्त क्रिएटिव ब्लॉकबस्टर मूवियों के लिए जाने जाने वाले और फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में पूरे विश्व में कई रिकॉर्ड बनाने वाले एक सफल निर्माता निर्देशक SS राजामौली के 9 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में और ये भी जानेंगे कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर वन पर है 2001 में आई फिल्म स्टूडेंट नंबर वन। ये वही फिल्म है जिस फिल्म से SS राजामौली ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म से SS राजामौली ने निर्देशन और निर्माता का काम शुरू किया था। ये फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट हुई थी कि इस फिल्म के एक्टर निर्माता के लिए एक सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म के लीड रोल के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म के लीड रोल में आप लोग देखने को मिलेंगे जूनियर एनटीआर और गजला, जो कि एक सुपरहिट एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी। तो दोस्तों, बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, इस फिल्म का बजट था 1,80,00,000 रुपये, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 12,09,00,000 रुपये, जो कि एक सुपरहिट फिल्म के दर्जा पहुंचा देती है। तो दोस्तों, चलिए नंबर दो पर चलते हैं। नंबर दो पर है 2005 में आई फिल्म छत्रपति, जो कि SS राजामौली की दूसरी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में SS राजामौली ने निर्देशन और लेखन का काम किया था। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे आप लोगों को प्रभास, आरती अग्रवाल, श्रिया सरस आदि सब देखने को मिलेंगे। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसका बजट था 8,00,00,000 रुपये, जिसने कमाई की थी 22.24 लाख रुपये, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। ये फिल्म आपको हिंदी में हुकूमत की जंग के नाम से YouTube पर देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को फिल्म देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए नंबर तीन पर चलते हैं। नंबर तीन पर 2006 में आई फिल्म विक्रमा कर डू, जो कि एक SS राजामौली की तीसरी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस फिल्म ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल के बारे में बात करें, इस फिल्म में लीड रोल में थे रवि तेजा, अनुष्का शेट्टी, विनीत कुमार आदि। ये एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म का बजट था 11,00,00,000 रुपये, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 28,00,00,000 रुपये, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को बाद में हिंदी में रावड़ी राठौर के नाम से रीमेक किया गया था, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, चलिए नंबर फोर पर चलते हैं। नंबर फोर पर 2007 में आई फिल्म येमाडोगा, जो कि एक SS राजामौली की चौथी सुपरहिट फिल्म थी, जो एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में भी कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे आप लोगों को मोहन बाबू, जूनियर एनटीआर, प्रियमाड़ी आदि सब देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का बजट के बारे में बात करें, इस फिल्म का बजट था 15,00,00,000 रुपये, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 29,00,00,000 रुपये। इस फिल्म को हिंदी में डब किया गया था, जिसका नाम लोक परलोक था, जो कि आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए नंबर फाइव पर चलते हैं। नंबर फाइव पर है 2009 में आई फिल्म मगाधीरा, जो कि SS राजामौली की पांचवी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसने इनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म ने SS राजामौली को कई अवार्ड भी दिलाए। जो ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेगा आप लोगों को साउथ इंडिया के सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण, काजल अग्रवाल आदि सब देखने को मिलेंगे। इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई किया था 150,00,00,000 रुपये, जबकि इसका फिल्म का बजट था मात्र 15,00,00,000 रुपये। यह फिल्म अपने आप में एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर मूवी थी। यह फिल्म आप लोग हिंदी में YouTube पर फ्री में देखने को मिलेगी मगाधीरा के नाम से। नंबर छः पर चलते हैं। नंबर छः पर है 2012 में आई फिल्म ईगा यानी कि मक्खी, जो कि SS राजामौली की छठी फिल्म थी, जो कि तेलुगु सिनेमा के में एक अलग लेवल की फिल्म साबित हुई थी, जिसने पुनर्जन्म की कहानी को सामने लाया। यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें लीड रोल में थे सुदीप, नानी, समानता आदि सब थे। इस फिल्म का बजट था 260,00,00,000 रुपए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 1,200,00,00,000 रुपए, जो कि कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था, जिसने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने धमाकेदार कमाई की थी। इस फिल्म को हिंदी में आप लोग को मक्खी के नाम से डब किया गया था, जो कि आप लोग को यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए नंबर सेवन पर चलते हैं। नंबर सेवन पर है 2015 में आई फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग, जो कि एक SS राजामौली की जिंदगी की सबसे बड़ी और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसने पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना दिया, जिसने कई अवार्ड भी जीते और एक नया इतिहास बना दिया। यह फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें लीड रोल में है प्रभास, तमन्ना भाटिया, राणा दुगपति आदि सब बेस्ट कलाकार देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस फिल्म का एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस फिल्म का बजट है 280,00,00,000 रुपये, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 650,00,00,000 रुपये। इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 1,000 के पार है। यह फिल्म आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगी यूट्यूब पर, जो कि आप लोग फ्री में देख सकते हैं। तो सोचो, चलिए नंबर एट पर चलते हैं। नंबर एट पर है 2017 में आई फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन, जो कि एक बाहुबली की पार्ट टू है, जो कि SS राजामौली की एक बेस्ट निर्देशन निर्माता किताब अपने नाम किया था, जो कि उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट और
आइकॉनिक धमाकेदार फिल्म साबित हुई थी, जिसने पूरी दुनिया में एक नया इतिहास और रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में लगभग 2000 से अधिक की कमाई की थी, जो कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक इतिहास बना दिया था। इस फिल्म का बजट है 260 करोड़ रुपए। यह फिल्म भी आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी एकदम फ्री में। इस फिल्म को जितना भारत में प्यार मिला उससे ज्यादा कहीं इस फिल्म को विदेशों में प्यार मिला। तो दोस्तों नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 पर है ट्रिपल आर मूवी, जो कि SS राजामौली की एक अपकमिंग फिल्म है। इस फिल्म में आप लोग लीड रोल में देखने को मिलेंगे रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट, जिन्होंने इस फिल्म में एक ऐसी बढ़िया खतरनाक एक्टिंग की है जो कि आप लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस फिल्म का बजट के बारे में बात करें, इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए। लगभग इस फिल्म ने अपने बजट के बराबर ऑनलाइन कमाई कर चुकी है। अब आगे देखते हैं फिल्म रिलीज होने के बाद क्या धमाल मचाती है। इसको देखने के लिए आप लोगों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। इस फिल्म का नाम है ट्रिपल आर, जो कि SS राजामौली की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। तो दोस्तों अब तो आप लोग पता चल गया होगा कि SS राजामौली की निर्देशन में बनी फिल्म कौन कौन सी है और कौन सी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और कौन सी फिल्मों का कितना बजट है। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग सिनेमा से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं कृपया आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो जरूर करें। अगर आप लोग हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू पर अभी तक फॉलो नहीं किया, नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम आप लोग को इंटरेस्टिंग जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।